और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को शेख रशीद अहमद के कब्जे में ली गई गाड़ियां वापस करने का हुक्म दे दिया। साबिक वफाकी वजीर की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर, सिंगल बेंच का फैसला कलदम करार दे दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे शहजाद अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद अली आगे कीजिएगा। की जो गाड़ियां कब्जे में ली गई थी उस हवाले से साबिक वफाकी वजीर की टीम थी, उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का जो फैसला है उसको कदम करार देते हुए शेख रशीद के इस्तेमाल में जो गाड़ियां थी उनको पुलिस को वापस करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से जो है तहरीरी फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने जारी कर दिया है। ठीक, बहुत शुक्रिया शहजाद। सिंगल बेंच का फैसला कलदम करार दे दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे शहजाद अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद अली आगे कीजिएगा। की जो गाड़ियां कब्जे में ली गई थी उस हवाले से साबिक वफाकी वजीर की टीम थी, उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का जो फैसला है उसको कदम